श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय में स्नातक प्रथम खंड का फॉर्म भरा जा रहा है। लड़कियां फॉर्म ऑनलाइन भरकर महिला महाविद्यालय में जमा करती है, जिसके बदले में लड़कियों को 100 रुपये का चलान लगता है। कुछ लड़कियों का कहना है कि ये चलान सिर्फ श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय में ही ली जाती है, जबकि अन्य किसी भी कॉलेज में नहीं ली जाती है। आपका नाम? अरुण। आप पार्ट वन का फॉर्म भरी हैं? हाँ, तो यहाँ पे क्या करने आई हैं? अभी फॉर्म जमा करने में पैसे भी लग रहे हैं? कितना लग रहा है? 100 रुपये लग रहे हैं। सबसे लगता है? हाँ, सबका लग रहा है। सबका लग रहा है। और भी कॉलेज में लगता है? नहीं, लगता है यही सिर्फ लगता है। तो इस पे आप लोग कुछ कहती नहीं है मैडम को? अच्छा, तो कभी आपने अकेले भी जाके मैडम को बोला नहीं कि मैडम ऐसा क्यों करती हैं? अच्छा, एक आदमी नहीं बोल सकती? टीचर को कोई कैसे बोल सकता है? क्यों नहीं बोल सकता? टीचर से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो दे देते हैं? दे देते हैं आप लोग, है ना? और आपका नाम? आपका नाम प्रज्ञा कुमारी। और यहाँ जमा करने में भी कुछ पैसे लग रहे हैं क्या? हाँ। कितना पैसे लग? 100 रुपये लग रहे हैं। और भी कॉलेज में महाविद्यालय में लगता है? नहीं, जीडी में तो नहीं लग रहा। जीडी कॉलेज में? कोऑपरेटिव में लगता है? पता नहीं। नहीं लगता है ना? और इसे भी यहीं पे लग रहा है? हाँ। कभी आप लोगों ने शिकायत की है मैडम से? नहीं। मैडम ले लेती है? कौन लेता है? सर जमा कर रहे हैं? मैडम सर लेते हैं? सर लेते हैं। सर को आप लोगों ने कभी बोला नहीं कि सर क्यों लेते हैं? नहीं, कभी सर से पूछे नहीं। अच्छा, सर जी भी पूछे नहीं और आप लोगों ने भी पूछा? हाँ, नहीं। सर बोल रहे थे 100 रुपये लगेगा तो हम लोग। अच्छा। हेलो, आप भी जमा करने के लिए आई हैं फॉर्म यहाँ पे? कौन से क्लास का जमा हो रहा है यहाँ पे? पार्ट वन में है आप? ऑनर्स क्या आपका? सबका एक ही? सबको मतलब जमा करने में पैसे लग रहे हैं? जी। कितने पैसे लग रहे हैं? 100 रुपये आप जमा कर रही हैं? हाँ। जमा करने का रसीद दिया जाता है? जी। रसीद भी दिया जाता है? आप पार्ट वन में? आप भी जमा करने के लिए आई हैं? हाँ। पैसे जमा करने के लिए आई? ऑनलाइन में कितना पैसा लगा था? 520 लगा था। और जमा करने में भी लगता है? और भी कॉलेज में लगता है? नहीं, लगता है, इसी में लगता है। सिर्फ इसी में लगता है? तो आप लोग मैडम को बोलती नहीं है? सब बोलेगा तो अभी तो यहाँ पे सब मना कर रहे हैं, तो एक साथ मना करना चाहिए ना आप लोग को? कभी कोई नहीं बोलती है? नहीं। कभी आप लोगों ने बोला नहीं? नहीं, कभी नहीं बोली है। सर, ये जो आप चलान काट रहे हैं, फॉर्म भरने का ये चलान है ना? हाँ, फॉर्म जमा हो रहा है पार्ट वन का? पार्ट वन का ऑनलाइन एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन और ये दोनों का फॉर्म है। हाँ? ये कॉलेज के प्राचार्य के निर्देश पे लिया जा रहा है। हाँ? और 100 रुपये की रसीद काटी जा रही है। 100 रुपये की रसीद काटी जा रही है? किन के आदेश पर? प्राचार्य के आदेश। ऐसे प्राचार्य के आदेश पर, ठीक है। मैम, आपके कॉलेज की जो भी लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, वो उनका कहना है कि अवैध वसूली के नाम पे चलान कटता है, 100 रुपये 500 रुपये लिए जाते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात है तो 100 रुपया जो लड़कियों से लिया जा रहा है उसको रसीद दिया जा रहा है, उसे कभी भी अवैध वसूली नहीं कहा जाता है। महाविद्यालय में पैसा जमा होता है, महाविद्यालय में छात्राओं के द्वारा कोई राशि नहीं ली जाती है। 500 रुपया मात्र एडमिशन के समय उससे लिया जाता है और हमारा महीनवारी खर्चा 50,000 रुपया हमारा बिजली बिल हम पे करते हैं, साफ सफाई, 10 एम्प्लॉई हमारे यहाँ हैं जिसको हम लोग 5,000-6,000 रुपया महीने पर रखे हुए हैं, उनका पेमेंट करना होता है। ये 500 रुपया जो हम लेते हैं उसी से उन लोगों को किया जाता है और 100 रुपया जो लिया जा रहा है उसके बाद हर चीज हम लोगों को ऑनलाइन भेजना होता है। ऑनलाइन के लिए हमको अतिरिक्त व्यक्तियों को लगाना होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर्स को लगाना होता है जिस काम को करते हैं, जिस काम को पेमेंट करना होता है, और विश्वविद्यालय से, राज्य सरकार से हमको अभी तक एक भी नया पैसा, एक राशि प्राप्त नहीं हुई है। इससे जो भी कार्य हो रहा है तुम्हारे द्वारा दिए गए 500 रुपया से ही काम किया जा रहा है महाविद्यालय में। कुछ लड़कियों का कहना है कि अदर कॉलेज में नहीं लिया जाता है, सिर्फ इसी कॉलेज में होती है।
अदर कॉलेजेस को एजुकेशन है, ये पूरे जिला में मात्र एक ही महाविद्यालय है जहां सिर्फ महिलाएं पढ़ती हैं और महिलाओं से किसी तरह का फी नहीं लिया जाता है, और जहां लड़के पढ़ते हैं साथ में वहां पर क्यों लिया जाएगा, जबकि लड़का से ही वहां 1400-1200 रुपया वहां फी ले लिया जाता है, उसका महाविद्यालय आराम से चलता है। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि सिर्फ लड़कियां हैं और यही राशि हमारे पास उपलब्ध है जिससे हमको पूरे साल महाविद्यालय चलाना होता है। लेकिन लड़कों से जो लिया जाता है, लड़कियों का जैसा कहना है कि लड़कों से अगर लिया जाता है दूसरे कॉलेज में तो वो बस एडमिशन के वक्त ज्यादा से ज्यादा रुपये लगते हैं, लेकिन फॉर्म भरने वक्त कोई रुपये नहीं लगते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। फॉर्म जमा करने एक बार अगर किसी से 1400-1500 ले लिया जाएगा तो क्यों फिर उसे लिया जाएगा, हम लोग हमको एक बार में दे दें 1400, हम भी नहीं लेंगे सालों भर। अगर जो फी है पूरा अगर लिया जाए NSS NCC खेलकूद स्पोर्ट्स के नाम पर 1400 समथिंग रुपया बनता है, एक बार लड़की दे दे मैं सालों भर इतने पैसा नहीं लूंगी। अच्छा, तो आखिरी क्या कहेंगे आप? आखिरी है कि महाविद्यालय किसी तरह से चलाना है। हाँ, सरकार जब हमें राशि उपलब्ध करा देगी, जिस वर्ष से राशि आ जाएगा उस वर्ष से मैं लिख के देती हूँ कि उस वर्ष से आपसे पैसा नहीं।